बार सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष आमने सामने आ गए हैं। वजह है राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायत को भेजी जीआर। क्या है ये जीआर, देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की सभी ग्राम पंचायतों को जीआर दिया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्ट्रीट लाइट और ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए पानी मशीन का बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायत करे। इस जीआर के बाद भाजपा अब आक्रामक हो गई है। भाजपा मंत्री एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने इस जीआर पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। बावनकुए ने कहा कि अभी तक ये पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता था, मगर अब इस जीआर से ग्राम पंचायतों पर ज्यादा का आर्थिक दबाव आ जाएगा, इसलिए राज्य सरकार ने ये जीआर जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्राम पंचायत व्यवस्था पे, ग्राम पंचायत के अधिकारों पे एक जीआर थोपा है। 23 जून का जीआर है 2021 का। जिस जीआर के हिसाब से अगर हमने देखा तो ये जीआर कहता है कि ग्रामीण ग्राम पंचायत में आने वाले गांवों का पीने के पानी का और रास्ते के स्ट्रीट लाइट का बिजली का जो बिल है वो ग्राम पंचायत ने भरना है। ऐसा 23 जून का जीआर महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है। ये जीआर यानी ग्राम पंचायत के ऊपर एक प्रकार का अधिकारों का हनन है। ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता है वो पैसा लूटने का, उसके ऊपर डाका डालने का काम सरकार कर रही है। अभी डाका डालने भी लग गए महाविकास आघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र सरकार जब से ग्राम विकास विभाग और ऊर्जा विभाग है तब से महाराष्ट्र में कायदा है कि ग्रामीण ग्राम पंचायत का स्ट्रीट लाइट जो लगते हैं रास्ते के लाइट, उसका इलेक्ट्रिक का बिल ग्राम पंचायत कभी नहीं भरती, वो सरकार भरती है। सरकार बजट करके जिला परिषद, जो जो जिला परिषद में जो ग्राम पंचायत के इलेक्ट्रिक बिल आए थ्रू जिला परिषद उनके पैसा भरती है। ये आज तक का इतिहास है, ये नियम है, ये कायदा है। पीने के पानी के योजना का 50% बिल सरकार भरती है, 50% ग्राम पंचायत भरती है। लेकिन 23 जून का जीआर क्या कर रहा है, कह रहा है अब नहीं, अब आपको पूरा इलेक्ट्रिक का बिल ग्राम पंचायत को भरना पड़ेगा। आज स्थिति ऐसी है सारे ग्राम पंचायतों की, वहाँ पीने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ पे कर्मचारी के 8-8 महीने से पगार नहीं हुए है, साफ सफाई के लिए नहीं पैसा नहीं है, और कोरोना के संक्रमण में कोई भी वसूली भी नहीं है। और ऐसे में इस प्रकार से निर्णय लेना, और वो भी कहाँ से निर्णय लिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15वें वित्त आयोग में जो गाँव के डेवलपमेंट का जो पैरामीटर ठहरा है कि ग्रामीण विकास कैसा हो उसके लिए पैरामीटर दिया हुआ है, वहां से पैसा जो ग्राम पंचायत को आया है डायरेक्ट दिल्ली से, ये महाराष्ट्र सरकार का पैसा नहीं है, दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा हुआ पैसा है। उसकी उनके तरफ ये पैसा डायरेक्टली डाइवर्ट करने का काम चालू है बिजली बिल में, तो इसका मतलब ग्राम पंचायत का पूरा विकास उठने वाला है। हमारा स्पष्ट कहना है ये जीआर वापस लीजिए, और आज ये जीआर के तहत 50% ग्रामीण एरिया की लाइट बंद कर दी गई है। बहादुरा जैसे छोटे ग्राम पंचायत को 1.5 करोड़ का बिल भेजा है, कई ग्राम पंचायत के सरपंच के ऑफिस में रोज एमएससीबी के अधिकारी जाके बैठ रहे हैं, हम आपकी बिजली काटेंगे, 50% तो काट दिए, पीने के पानी की नल उंदा काट दिए। और इस प्रकार से बड़ा अन्याय ये सरकार ग्राम पंचायत पे कर रही है। ये 23 जून का काला जीआर अगर वापस नहीं लिया, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, गांव के सरपंच आंदोलन करेंगे, और इस प्रकार की मुगलशाही जो सरकार की है वो नहीं चलने देंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।